गुरद्वारा सिंह सभा तो शुरू हो रहा मार्च। दीप सिद्धू जिंदाबाद, दीप सिद्धू तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोके, नारे लग रहे ने। आ तुसी पोस्टर देख सकते हो, दीप सिद्धू अपना सांझा पंजाब टीवी ते। दोस्तों तुहाडा स्वागत। दीप सिद्धू दी साजिशी मौत तो बाद दीप सिद्धू दे नाल प्यार करन वालिया ने दीप सिद्धू दी याद दे विच पंजाब दे विच ही नहीं सगो पंजाब तो बाहर होर मुल्कां दे विच भी मार्च कढ़े। मार्च कढ़ के उन्होंने ये दसण दी कोशिश की कि असी दीप सिद्धू दी सोच नूं चंगी तरह दे नाल समझदे हां और दीप सिद्धू दी सोच दे उपर पहरा देण दी उन्होंने गल भी की, नारे भी लगाए उन्होंने। जिथे ये नारे लाए गए कि दीप सिद्धू तेरी सोच के उपर पहरा देंगे ठोक के, उत्थे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी नौजवानों के वलों लगाए गए। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे इस करके लगाए गए क्योंकि दीप सिद्धू बार 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 ये गल कहिंदा सीगा कि पंजाब की धरती के उपर असी भाव के सिख अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि समय दीयां जालम हुकूमतों के वलों साडा खुरा खोज मिटाउण दे वास्ते ते साडी होंद तो ही वह मुनकर ने, उन्हां वलों साडा खुरा खोज मिटाउण दे वास्ते वख-वख ढंग तरीके अपनाए जा रहे हैं जिहदे करके साडी होंद नूं ही खतरा बनिया होया। सो अपनी होंद नूं बचाउण दे वास्ते असी लड़ाई लड़ रहे हैं, दीप सिद्धू बार बार यही गल कहिंदा रहा। सो दीप सिद्धू प्रभावित हो के दीप सिद्धू की याद नूं मनाउंदिया होया जिथे होर वख-वख थावां दे उपर मार्च कढ़े गए, उत्थे हुशियारपुर शहर दीयां सड़कां दे उपर भी पिछले दिनों दे विच मार्च कढ़िया गया। उस मार्च दे विच भी दीप सिद्धू तेरी सोच ते पहरा देंगे ठोक के ये नारे गूंजते रहे। वड्डी गिणती विच नौजवानों ने उस मार्च दे विच शिरकत की, पर बाद विच खबर सामने आउंदी है कि थाना सिटी की पुलिस ने 250 के करीब नौजवानों के उपर मुकदमे दर्ज कर दिते ने। मुकदमा दर्ज करने की वजह की हैगी 188 की धारा 188 की कहिंदे उलंघना की है, सो जिहदे तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उस तो बाद वख-वख सिख जथेबंदियों के नुमाइंदे हुशियारपुर शहर के एस एस पी साहब नूं मिलन भी गए। उन्होंने जाके आख्या कि साडे खिलाफ़ ही मुकदमा क्यों। सो जदों मुलाकात करन वास्ते गए सीगे तां एक पत्रकार होण दे वजों मैं भी उन्होंने नाल ही गया सीगा। एस एस पी साहब ने आख्या कि ये क्योंकि तुसीं कोई मंजूरी नहीं सी लई हुई ये मार्च कढ़न दी, इस करके मुकदमा दर्ज किया गया हैगा तुहाडे खिलाफ़। इत्थे मैं तुहानूं दसना चाहूँगा कि बहुत सारे इदां दे धरने मुजाहरे हुंदे ने, बहुत सारे मार्च पंजाब दी धरती दे उपर कढ़े जांदे ने जिन्हां दी कोई मंजूरी नहीं लई जांदी हैगी, पर इत्थे उन्हां दा कहना सीगा कि मंजूरी नहीं लई गई हैगी जिहदे करके तुहाडे ते ये मुकदमा दर्ज किया है। सो अज हुशियारपुर शहर के गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विखे वख-वख जथेबंदियों के नुमाइंदियां ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की। प्रैस नूं संबोधित हुंदिया उन्होंने आख्या कि आउंदे दिनां दे विच जे ये मुकदमा दर्ज जिहड़ा किया गया साडे खिलाफ़ जे रद्द ना किया गया तां असीं इहदे खिलाफ़ कोई ना कोई ढुकवीं कार्रवाई करांगे तां जो ये साडे उपर जिहड़ा गलत मुकदमा दर्ज किया गया हैगा आपां इहनूं वापस करवा सकीए। सुणदे जायो गल्लां बातां। सब तो पहला तो मैं आप सारे पत्रकार वीरां दा इत्थे पहुँचण ते धन्नवाद करदा। तो अज साडियां जिहड़ियां समूह सिख जथेबंदियां वलों जो पिछले दिनी सिख जथेबंदियां वलों जो नौजवान आगू जो दीप सिंह सिद्धू की याद दे विच हुशियारपुर विच मार्च कढ़िया गया सीगा, तो उस दे खिलाफ जिला प्रशासन ने जिहड़ा परचा दर्ज किया, असी सारे उहदी सब तो पहला सख्त लफ्ज़ निंदिया करते हैं क्योंकि नौजवानों ने दीप सिद्धू जो साढ़े नौजवानों की वड्डी पद्धर ते वो अगवाई विचारां नाल करदे सीगे ते उन्हां दी उस वेले बेवक्ती मौत दे संबंध में भावक भावनावां नूं अपणियां नूं प्रगटाउण दे लई शहर दे विच मार्च कढ़िया, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन वल्लों जिहड़ी इह कारवाई कीती आ उहदी जिथे असीं निंदिया करदे आ ते उत्थे शहर दे विच असीं देखदे आ कि वख-वख संस्थावां वल्लों वख-वख जथेबंदियां वल्लों अपनियां भावनावां नूं प्रगटाउण दे लई वो लगातार वह जिहड़े मार्च भी कढ रहे अपने प्रोग्राम भी वह कर रहे आ, लेकिन उन्हां किसी दे उत्ते भी कोई भी इदां दी कारवाई नहीं की गई ते केवल जिहड़ी आ वह साडियां सिख संस्थावां उत्ते जिहड़े मार्च कढे कढण वालियां उत्ते इह जिहड़ा परचे दर्ज करके असीं इहदा सख्त विरोध करदे आं ते आने वाले समय के असी जिहड़ा इहदे खिलाफ असी जिहड़ा अपना रोस जिहड़ा प्रदर्शन उह करांगे। जिहड़ा परचा कीता गया किस बहाव ते कीता गया, तुहाडे लई कोई उलंघना कीती गई किसे हुकम दी जां किस बेस ते कीता गया तुहाडा? हाँ जी, असी एस एस पी हुशियारपुर साहब नूं मिले सीगे ते
जो असं उन्होंने कहा कि भाई साढ़े नाल प्रशासन ने धक्काशाही की ये गलत होया तो उन्हें सानू कहा भी तुम धारा 144 जी उलंघना की आ डीसी साहब के हुक्मों की तो असं उन्होंने रिक्वेस्ट की भी ये भावनावान वेग के उस वेले नौजवानों ने भी कोई पोलीटिकल प्रोग्राम नहीं तो उस वे प्रोग्राम किया भी शहर के होर भी संस्थावं जो रोज़ जे कट करके अपने प्रोग्राम जोड़े वो लीक रही कर रही तो लेकिन तुम साढ़े खिलाफ यो कार्रवाई कर रहे हो जोड़ा शहर हुशियारपुर के जोड़ा गया वो परचा जोड़ा आन नेम के उत्ते किया गया और जोड़ा साढ़े सिंगड़ी वाला विखे किया गया उस बाबा हरमनजीत सिंह मेरा नाम वो है इस तरीके होर भी जो परचे जो शायद हो बिल्कुल असं यो जिला पुलिस प्रशासन की जी सोच न मुतसवी सोच मानते हैं तो उन्होंने जोड़ा कार्रवाई की तो ये साढ़े जोड़े हक आना कुचल नहीं सकनगे तो असी यदा जोरदार ढंग असी जो आने वाले समय के विरोध करा क्वेश्चन कर लियो देखो ये जिहड़ा ये प्रोग्राम उदन का मार्च कढ़िया भी गया एक तो वह प्लैंड नहीं सी किसी भी ऑर्गनाइजेशन वालों ये एक सांझे दुख चो सारे नौजवान इत्थे गुरद्वारा साहब कट्ठे होए तो कट्ठे हो के एक बहुत शांतिपूर्वक ढंग के नाल उन्होंने पूरे शहर का राउंड किया पर जिहड़ी ये धारा 188 लाणी उत्ते परचा दर्ज करना गल केस तो छोटा पर केस तो केस आ एक है ना तो ये एक जिहड़ी बहुत माड़ी गल आ प्रशासन दे लई क्योंकि सारिया कम्यूनिटियां जिहड़ियां आ वो प्रोग्राम कर दियां आ तो इदां तां फिर मतलब एक पुलिस प्रशासन जिहड़ा उहदा पक्षपाती रवैया है जिहड़ा ये तो फिर सानू एक सनब करन दी कोशिश आ अज जे इस तरीके जो प्रशासन सानू डील करेगा तो अगांह फिर वो होर भी साढ़े ते पाबंदियां बदलगियां इस करके असी अजे ही इस गल दे उत्ते सारियां जिहड़ियां सिख जथेबंदियां असी गुरद्वारा सिंह सभा इकट्ठियां होईयां ते असी इहदा विरोध दे लई असी नहीं साडी डिमांड यह आ भी इहनू तुरंत जिहड़ा आ इह रद्द कीता जावे ते अगाऊं भी जिहड़ा हैगा इदां दा पक्षपाती जिहड़ा उह प्रशासन जिहड़ा रवैया ना रखे क्योंकि देखो असी SSP साहब नूं मिले भी हाँ पर उहनां दा कोई बहुता चंगा बिहेव नहीं रहा साडे प्रति पर जे देखिया जाए 12 महीने च 144 लगी रही है हर काम होंगे धरने मुजहरे होंगे मुलाजमान के होंगे उन्होंने क्यों नहीं परचे होंगे सिख जथेबंदी क्यों हो रहे हैं बिल्कुल गल यही तो असं गल प्रशासन तो पूछना चाहते हैं भी पिछले 20-25 साल तो सानू हो गए इतने करद्या तो कभी इदा की कभी कोई समस्या नहीं आई कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं आई जां किसी होर कम्यूनिटी कोई प्रॉब्लम नहीं आई ये प्रशासन ही मतलब इदा दल करके जोड़ा माहौल तनावपूर्व जो ना करे धन्यवाद।